हेलो गाइस, मैं हिमांशु यादव। कैसे हो भाई? आई होप सब अच्छे हो गए, अपने घरों में सेफ हो गए। तो भाई, ये काफ़ी टाइम बाद एक वीडियो आ रही है जो कि काफ़ी अच्छी आ रही है। तो आज आप देख रहे हो i20 स्पोर्ट्स CRDi 2017 डीजल। तो भाई, ये भी कार अपने आप में एक मतलब बहुत बढ़िया चीज़ है कि इसका जो मतलब लुक है वो काफ़ी अच्छा आता है। इसका जो चलने वलने में काफ़ी अच्छी लगती है। और भाई की गाड़ी है जिसकी उनने बहुत अच्छी है, मॉडिफाई भी करा रखी है। बेसिक है बिल्कुल, पर तब भी इसमें काफ़ी अच्छा लुक एनहेंस होके आ रहा है। तो जेड है, जेड ब्लैक शीशे हैं भाई गाड़ी के। तो ये किसी को हम रिकमेंड नहीं करते, ये सबकी अपनी चॉइस है। इन पे चलान वगैरह भी होता है। तो चलो पहले स्टार्टिंग से ही शुरू कर देते हैं फ्रंट से। तो फ्रंट में भाई इसको इसमें आपको नॉर्मल अपनी ये मिलेगी, LEDs वगैरह इसमें भाई ने अपग्रेड करा रखी हैं। फॉग लैम्प भी अपडेट करा रखे हैं जो मैं अभी जला के दिखा दूंगा। सेम इस साइड है, ग्रिल अपनी नॉर्मल आती है, कोई भी ग्लॉसी वगैरह वाली ग्रिल नहीं है। एलॉय साइज की बात करें तो काफ़ी चौड़ा है एलॉय। ये देखो रिम काफ़ी इसके चौड़े हैं, एक हाथ का भी फर्क नहीं आ रहा पूरा। और इनके साइज की अगर हम बात करें तो ये हैं 16 इंच, 205/55 R16, 16 इंच के एलॉयज हैं भाई ये। तो टिंटेड ये पूरी पूरी प्रॉपर टिंट तो नहीं है, मैंने भाई से पूछा, उन्होंने कहा 20 है। तो इतनी चल जाती है, आर पार दिख जाता है इसमें अगर ध्यान से देखेंगे। वैसे चारों तरफ से इसलिए नहीं दिख रहा, देखो अंदर का दिखने लगा ना, तो चारों तरफ का दिख जाता है। तो एक बार इसकी चाबी से ही दोबारा शुरू कर। तो भाई यहाँ से ज़रा देखो एक बार कार कितनी मतलब लुक में कितनी तगड़ी लग रही है। इसके एलॉय भी थोड़े यूनिक हैं, अच्छे अंदर कर्व से हैं थोड़े। तो ये ऐसी कुछ की आती है भाई, इसकी फ्लिप की आती है, टॉप मॉडल नहीं है ये। तो ये देखो होल्ड, लॉक अनलॉक होल्ड ऐसी है, अनलॉक लॉक करेंगे तो अपने मिरर्स भी फोल्ड हो जाते हैं, अनलॉक करने पे अनफोल्ड भी हो जाते हैं। चलो एक बार इसकी लाइट्स वगैरह ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ लगाई चाबी अपनी, तो ये देखो भाई, मतलब इसकी लाइट ना रात के टाइम पे काफ़ी अच्छी है। तो इनकी ब्रांड का तो नहीं पता मेरे को, इसका सिस्टम भी अपडेट है कार का पूरा। तो एक बार चलो पीछे की तरफ चलते हैं, चाबी निकालते हैं, थोड़ा डिग्गी वगैरह देखते हैं इसकी। यहाँ से खोल दी डिग्गी, तो ये इसमें चार स्पीकर आ जाते हैं पीछे, एम्प वगैरह बेस ट्यूब सब कुछ है कार में प्रॉपर। ये देखो काफ़ी अच्छा सिस्टम है इसमें पीछे, मतलब बेस ट्यूब वगैरह, पायनियर के स्पीकर, और पायनियर का ही इसमें हेड यूनिट डली हुई है। आगे ट्विटर्स की प्लेसमेंट भी आपको दिख रही होगी जो हम आगे चल के बात करेंगे। अभी डिक्की हो गई क्लोज, पहले रियर सीट्स की कर लेते हैं थोड़ी। इसकी सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं इसमें, जो कि है अपनी ये यहाँ पे फैब्रिक आती है, पर भाई ने इसमें लेदर सीट कराई हुई है। और जो इसका इंटीरियर है आगे का कुछ ऐसा दिखता है, थोड़ी ब्राइटनेस कम करें, ये देखो। तो बाहर का सब कुछ क्लियर दिख जाता है अच्छी तरह, कोई वो नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे देखो इसका जो अंडर थाई सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब आप लॉन्ग जर्नी कर सकते हो, यहाँ पे 3 जने भी बैठ सकते हैं क्योंकि बीच में कोई हम्प नहीं है। और 4 हेडरेस्ट गाड़ी में आते हैं, भाई ने 2 हटा रखे हैं, उसका रीज़न बाद में बताएंगे। यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, लॉक अनलॉक मिल जाता है। यहाँ LED बाहर से डलवाई हुई है, इसको क्लोज करते हैं। तो बाहर चल रहा है थोड़ा फोटोशूट कार का, तो वो डिस्टर्ब नहीं करते। इसकी एक दिक्कत लगी है भाई, इसका लॉक टूट गया है, फिर पता नहीं दिक्कत है, ये लॉक नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इसको कराएंगे, इससे भाई से पूछेंगे क्या हुआ है इसमें। तो अब चलते हैं गाड़ी के फ्रंट में, ज़रा थोड़ा इसके सिस्टम वगैरह भी देखते हैं अभी। तो सबसे पहले तो अंदर घुसते ही यहाँ पे आपको सारे फंक्शंस मिल जाएंगे, मिरर फोल्ड अनफोल्ड का, जो कि अभी भी हो रहे हैं। देखो चाबी नहीं लगी हुई तब भी, और यहाँ पे आप इनको सेट भी कर सकते हो। ऑटो अप डाउन ड्राइवर मिलता है, यहाँ पे विंडो को लॉक कर सकते हो कि ना बजे वो, मतलब ना घूमे। तो अब करते हैं भाई एक बार गाड़ी को स्टार्ट, जरा बगैर क्लिच के स्टार्ट हो जाती है गाड़ी, क्लिच बिना दबाए मतलब। तो ऐसा कुछ भाई एम्बिएंट लाइट वगैरह भाई ने प्रॉपर लगवा रखी है कार में, बहुत प्यारी लगती है ये। इधर देखो भाई, इतनी रात को मतलब ऐसी लगती है कि क्या ही बताएं। बस यहाँ पे LED लाइट मिल जाती है, आफ्टर मार्केट है। यहाँ पे आपको कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता, सेम इधर। इधर आपको
मतलब यहाँ पे वैनिटी मिरर है, कोई भी लाइट नहीं मिलती यहाँ पे, वैनिटी मिरर भी नहीं है ऐसा कुछ आपको इसका, एक सेकंड म्यूट कर देते हैं, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे अपना कंसोल मिल जाता है पूरा, रेस देंगे थोड़ी तो ये देखो कार की मतलब काफी पावर है कार में, पूरी वाइब्रेट होने लग जाती है, मस्त लगता है मतलब सब कुछ। तो फ्रंट में भी सेम ऐसे ही है, यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है छोटा सा, छोटा नहीं मतलब काफी, इतना छोटा भी नहीं है इतना बड़ा भी नहीं है। और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक एसी मिलता है इसका, लो वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो भाई वो रिवर्स इसका लगाना हो तो पहले क्लिच दबा के इसको यहाँ से दबाना पड़ता है इधर से, उसके बाद ही आगे की तरफ ही लगता है ऑटोमेटिक एसी। यहाँ पे हेड यूनिट चेंज है, इसका आउटपुट अभी आपको सुनाएंगे। यहाँ पे आप लॉक अनलॉक कर सकते हो कार को, एसी वेंट्स ये सारे उधर भी हैं। पावर स्टीयरिंग है भाई काफी, मतलब डीजल कार के हिसाब से लाइट है इसका स्टीयरिंग काफी। यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, ये देखो इधर आपको लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ एसी वगैरह सब कुछ अपना। अगर हम लाइट ऑन करेंगे तो ये डिम भी हो जाएगा, डिम भी होता है ये, हाई बीम लो बीम सब कुछ है इसमें, मतलब वो तो नॉर्मली होता है। अब एक बार जरा इसके यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट के सॉकेट मिल जाते हैं, यूएसबी और ऑक्स का पोर्ट मिल जाता है। वहीं इधर 6 गियर आते हैं कार में और 2 यहाँ पे आपको कप होल्डर मिलते हैं। हैंड ब्रेक आपका मैनुअल है, कोई भी ऑटोमेटिक नहीं है। आर्म रेस्ट पे भी आप यहाँ पे वो कर सकते हो, अपना सामान वगैरह रख सकते हो सब कुछ। ये जो आपका ओ आर वी एम है डिम वाला है, डिम हो जाती है इसमें लाइट रात के टाइम, मतलब पीछे से अगर कोई लाइट आए तो डिम हो जाती है। यहाँ पे ग्लास होल्डर मिल जाता है। अब कर लेते हैं भाई कार के सिस्टम की बात जरा थोड़ी सी, तो मैं एनसीएस का गाना लगवाता हूँ उसके बाद इसको प्ले करते हैं। तो अभी कार का सिस्टम देखो जरा, डिग्गी में हल्की सी वाइब्रेशन है तो जो कि कॉमन है होनी, क्योंकि इसके सिस्टम काफी ज्यादा बढ़िया है। भाई बहुत लाउड है, बहुत लाउड है और काफी मतलब अच्छी वॉइस है, कोई ज्यादा ऐसे सर में दर्द नहीं हो रहा। और अभी सिर्फ 9 पे ही है, ये देखो थोड़ा पीछे जाके दिखाऊं तो तो भाई ये था इसका कुछ सिस्टम, जो कि भाई ऑसम है, बिल्कुल मजा आ गया इसकी आवाज सुन के। इसका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस वगैरह है वो सब आपको किसी बाद की वीडियो में दिखाएंगे, अभी के लिए तो इतना ही था। जो कि एक मॉडिफाई कार की वीडियो थी, काफी अच्छी कार मॉडिफाई कर रखी है भाई ने। तो इसकी और भी रील्स देखने के लिए भाई के इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हो, वो मैं यहाँ पे नीचे छोटा सा डाल दूंगा, यहीं पे कोने में आ रहा होगा। और मेरे चैनल पे भी जा सकते हो, इंस्टाग्राम के हम दोनों कोलैब करके भी रील डालते हैं। तो चलो थैंक यू भाई, यही थी हमारी आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।